सऊदी अरब की डील आपकी जो है वो कंटिजेंट है, वो डिपेंड करती है आईएमएफ के पैकेज। कतर में जाके इस वक्त आपके ना सिर्फ बाजवा साहब बल्कि शबाज शरीफ साहब जाके कतर में उनसे मिले हैं, उन्होंने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इशारा दिया है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा है कि अगर आईएमएफ आपको डील देगा तो फिर देगा। इट मींस कि अगर आईएमएफ की डील नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं मिलेगा और आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। तो ये देखें, ये हुब्बुल वतनी है, ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। और मैं हैरान हुए इकतदार के लालच में, इस हिवस में इंसान यहां तक भी जा सकते, इस पस्ती को भी टच कर सकते हैं कि अपने मुल्क की सरहदें वो तब्दील करना चाहते हैं। जो फरमाया करते थे कि टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं नहीं तो टुकड़े, तो टुकड़े अब टुकड़े करके उन्होंने दिखा दिए हैं कि दो सूबे और इस्लामाबाद एक तरफ और दो सूबे एक तरफ हो जाए। तो ये मैं हम लोग हमारे जैसे लोग बाहर बैठ के इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं कि मुल्क सैलाब के तबाहकारियों में, और हमारे मौलाना और सियासतदान इस पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो पिछले 2 महीनों में हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूँ आप द कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड, डीमोरलाइज्ड, डीमोरलाइज्ड। ना सहाफत है, ना सियासत है, ना वकालत है, ना अदालत है, वहां कुछ भी नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल में। अब आप जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान सिसक रहा है किसी गैबी इमदाद के लिए, क्योंकि वहां पे इस वक्त आपको आप मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी मर्द मोमिन ऐसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो किसी चीज की कुर्बानी दे के कहें कि आई एम विल के पाकिस्तान को बचाए। हालात ये हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मर्दे मोमिन नहीं है। सारा साहब एक और बात भी बताएं, जब भी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो पाकिस्तान में जो लीडरशिप है ये फौरन मगरब की तरफ देखना शुरू कर देती है, ये मिडल ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर देती है कि हमें बाहर से लोग जो हैं वो एड दें। आज मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पाकिस्तान में जो सफीर है उनको बुलाया हुआ था ताकि हमें पैसे दें, हम जो है वो लोगों पे लगाएं। तारण साहब ये कब तक हम बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा ले ले कि अपने लोगों की जो है वो भूख और अफलास को खत्म करते रहेंगे? मतलब ये कोई बेशर्मी की हद होती है। स्टेट के पास क्या कुछ भी नहीं है हमारे पास कि अब वजीर आजम ने अब जिन्होंने SOPs रखे हुए हैं, ये होगा तो इस मुल्क को कहना है, ये होगा तो इस मुल्क को कहना है। और इधर इमरान खान साहब की बातें सुने तो वो जनाब रियासत मदीना और पता नहीं आलम इस्लाम के लीडर बने हुए हैं। ये बताएं ये जो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं उनका क्या होगा? मतलब एक तरफ तो हम मुल्कों से पैसा मांग रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान में हर सेलिब्रिटी पैसे मांग रहा है, वहां से हर बंदा निकला हुआ है, कौन किधर लगाएगा कोई इसकी हमें ऑडिट का नहीं पता। तो ये क्या डायरेक्शन है कि जब भी, अच्छा मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने तो थोड़े बहुत पैसों का ऐलान कर दिया है, नहीं ऐलान तारड़ साहब किया तो मुस्लिम दुनिया ने नहीं किया जो हमारे बड़े करीबी हैं, और इमरान खान यूरोप और अमेरिका को गालियां निकालते हैं, इस पे जरा कमेंट करें। और ये जो पाकिस्तान में हर बंदा चंदा इकट्ठा करता रहता है इस पे भी जरा कमेंट करें, इसका क्या मैकेनिज्म है कि हर बंदे को जा जाता है वो पैसा लगाए ना लगाए, कहाँ पे लगे, क्या हो? सीमा साहब मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान को मैं क्या, पाकिस्तान के अंदर नेशनल डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी समझा जाता है डॉलर और पाउंड्स के लिए। आप जरा गौर से देखें कि जलजला एक बहुत बड़ी डिजास्टर होती जो आया, तो उसके पैसे कहाँ गए, उसके ऑडिट कहाँ गए? उसके बाद कोविड का मैंने आपको अर्ज किया कि वजीर आजम के फंड के अंदर से 40 अरब रुपया वहां से निकला था, आज तक किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। और ये जो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो पैसा आता है बाहर से वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाता, वो वहां से इस्लामाबाद जाता है, वहां से बाहर के अकाउंटों में चला जाता है और पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। इस वक्त मैं नेशनल डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री पढ़ रहा था, परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन वो वहां पे इतने मुलाजमीन और सियासतदानों के रिश्तेदार भर्ती हुए हैं सफारशी, वह उनको बस कौम के ऊपर बोझ है। लेकिन यही एक वजह है, लेकिन इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे हैं चीमा साहब, मैंने अपने सारी जिंदगी में इतना इतना खतरनाक, इतना बड़ा खतरा नहीं देखा था कि सूबे इंडिपेंडेंटली सूबे ने सीधा खत आईएमएफ को लिखा है।